आज मैं एक प्रेस वार्ता करना चाह रही हूँ। परसों के दिन पूर्व विधायक ने मेरे खिलाफ एक बात कही थी, मैं उसका खंडन करना चाह रही हूँ। उन्होंने बोला था बदराणा जोहड़ के बारे में और बाय का जो बामा साहू का मेटर था उसके बारे में। आपको मैं क्लियर कर दूं, बाय का जो हॉस्पिटल का मेटर है वो ये था, पहले बहुत पहले इन्होंने मामा साहू ने वो अस्पताल बनवाया था। उस टाइम कोई जमीन दान पात्र नहीं लिखा जाता था, ऐसे दे दी जाती थी, ऐसे भवन बन जाता था। बीच में कोई ऐसी स्कीम आई तो दानदाताओं को ये बोला गया कि भाई आप अपनी जमीन को दान कर, तभी कोई एक मशीन लगनी थी वो मशीन लग जाएगी। तो उन्होंने वहां बैठे बैठे यहाँ कागज भिजवा दिए और वो दान करने का काम था जो शुरू हो गया। वो क्या है, त्रुटि हो गई उसमें, जो भवन बना हुआ था वो जगह तो दान हुई नहीं, उसके पास जो खाली जगह पड़ी थी वो दान हो गई। तो इसका और बदराणा जोहड़ का क्या तुक हुआ? अब वो है, उनके खुद की जमीन है, गांव में उन्होंने हॉस्पिटल बनाया है, वो गांव के बामासा है, वो क्या करेंगे आगे, सूती करवाएंगे क्या करेंगे, या अपनी जमीन को ऐसे छोड़ेंगे, ये कोई तुक नहीं है। उन्होंने जो बेतुका बयान दिया मैं उससे बहुत पीड़ित हूँ। रही बात बदराणा जोहड़ की, तो बदराणा जोहड़ का भी आपको पता है, जब से मैं पैदा हुई थी तब से इसका नाम सुन रही हूँ, ससुराल में तो बाद में आई हूँ, तब से ये बदराणा पशु मेला भरता था। और लोग बाग मेरे उधर से भी, वहां चूरू सुजानगढ़ बीकानेर वहां से भी सब लोग सारे अपने पशु लेके इस मेले में आते थे। और इतना आपको बता दूं, पूर्व विधायक महोदय वो उस रोज बोल रहे थे कि मैं हॉस्पिटल बना रहा था। आपको भी पता है कोई भी इस तरह की जमीन कन्वर्ट होती है तो 40% जमीन छोड़नी पड़ती है, उसमें जो कॉलोनी कटो या कोई गांव बसाओ या किसी अन्य काम को लो, तो वो जो खाली जगह होती है 40%, उसमें हॉस्पिटल भी बनता है, उसमें विद्यालय भी बनता है, उसमें मंदिर भी बनता है और उसमें पार्क भी बनता है। अगर इतने ही वो दानदाता थे तो 40% भूमि में ये सारा निर्माण करवा के वो 60% पशु मेले के लिए छोड़ते, तब जानती मैं तो इसका और उसका क्या तुक है। जब भी मैं देखती हूँ मेरे खिलाफ बयान देते हैं। बहुत पहले मेरे गांव में आए थे, मेरी उनसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, मैंने उनके खिलाफ एक बार टिकट मांगा था, मैं कांग्रेस पार्टी की वफादार हूँ, कांग्रेस पार्टी में टिकट लेना चाह रही थी, नहीं मिला तो मैं कांग्रेस के साथ रही, मैं कौन सा खिलाफ खड़ी हो गई। उसके बाद वो दोस्ता रखने लगे, मेरे गांव में आए, मेरे गांव में आके बोले कि ये फर्जी लोग हैं। जवाब तो उस टाइम ही मिल जाता, पर कांग्रेस की मीटिंग थी, कांग्रेस का सहयोग करना था मुझे और कांग्रेस के साथ चलना था, तो मैंने उनके खिलाफ कभी कोई बेतुका बयान नहीं दिया। उन्होंने एक बार पहले चेलासी में या नवलड़ी में कहीं बोला था कि अपने जो जमीन है ना, उन्होंने जमीन पे कब्जा कर लिया। भाई मेरी पुश्तैनी जमीन, हमने कोई स्कूल बनाया था, कॉलेज का भवन बनाया था, हमने कन्वर्ट करवाई थी उसको, जमीन को, वो हमारा डंडा था पहले का बना हुआ था, मेरी जमीन मैंने कन्वर्ट करवाई, कहां से कब्जा करा? मैंने तो सुन रही हूं कि वहां नदी का पाट है, उसमें पूर्व विधायक ने कब्जा कर रखा है, पूरे के पूरे में कब्जा कर रखा है, बदराणा जोहड़ ने कब्जा कर रखा है, और डॉक्टर डॉक्टर शिव गौतम है मनोचिकित्सक, वो हमारे बहुत ही करीबी हैं, उनकी मिसेज है जयश्री जी भाभी, वो अभी तक पीड़ित हैं, उनका इतना बड़ा जो ट्रस्ट था वो ऐसा का ऐसा उन्होंने अपने बेटे के नाम करवा लिया, ये कोई बात सही है क्या? एक भाई अपनी बहन को देगा या एक शिष्य को देगा? शिष्य तो बहुत होते हैं, अध्यापकों का तो ये काम होता है, शिष्य इसी से होते हैं, तो उनको धोखा दे के ये ट्रस्ट उन्होंने अपने नाम करवाया। ये बदराणा जोहड़ भी ट्रस्ट है, बाय की भूमि का क्या मतलब हुआ? बाय की भूमि ना कोई ट्रस्ट है, ना गांव की है, भामा साहू की है, उन्होंने हमारे गांव के लिए बहुत बहुत कुछ किया, हमारा भूमि से कोई मतलब नहीं था, हमने ये सोचा कि उनके दिल में कोई ठेस नहीं पहुंचे, इसलिए हमने भामा साहू को बुला के उनको ये कहा कि भूलवंश हमारे से कोई भी बात हुई है, आप गांव से जुड़े हो, गांव के भामाशाह हो, जो भी कोई बात है पूरे गांव से मिलके आपको जो भी करना है गांव से मिलके करो। उसका इसका क्या तुक है? जब मैं देखती हूँ मेरे खिलाफ बोलते हैं, और फिर मेरे खिलाफ बोलने का मतलब क्या है उनको? आज तक तो उन्होंने बोल दिया, मैंने सुन लिया,
और अब आगे बोलेंगे तो मैं वहीं पहुंच जाऊंगी, और मुझे जवाब देना भी आता है बिना काम। ना मैं उनके खिलाफ कभी बोली हूं, ना मुझे कोई मतलब है, ना कुछ और है, और इसका ये खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। लोग बाग नवलगढ़ के क्षेत्रवासी कांग्रेस के खिलाफ नहीं थे, इस व्यक्ति विशेष के खिलाफ थे, इस पूर्व विधायक के खिलाफ थे, तब ये अंजाम हुआ। इतने सालों बाद बीजेपी की सरकार आई है। तो मैं आप सब लोगों को ये बताना चाह रही हूं कि मैं महिला हूँ, पुरुष हो, कुछ भी हो, अगर मैं उनके खिलाफ बोलूं, या मेरी गांव में कोई गलती हो, या मैंने गांव में बहुत बड़ा कोई काम कर दिया हो, तब तो वो बोले, बोल के कहें। इनका बाय गांव का और बदरानी जोड़ का क्या तुक हुआ? मैं तो कभी उनको नहीं बोली। लोग बाग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। पीछे भी कई महिलाएं आई हैं, बाद में भी बात करती हैं, मैं ना ध्यान दिया ना उनके बीच में गई। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाह रही हूँ, आप भी पत्रकार हो, आपको भी सवाल करना चाहिए, आपको भी सवाल करना चाहिए कि भाई बदराणा जोहड़ है और उसका बाय का क्या लेना देना है? अगर बदराणा जोहड़ ट्रस्ट है तो वो ट्रस्ट ही रहेगा। खुद विधायक, पूर्व विधायक अपने मुंह से बोले हैं कि ये ट्रस्ट की जमीन है। अब ट्रस्ट की जमीन है तो विधायक जी के नाम कैसे हो गई? सारी हवेलियां भी विधायक के नाम, तुड़वारा वो भी विधायक के नाम, जो सारे काम करता वो विधायक के नाम, पूर्व विधायक के नाम, और जो हम कोई सही सही काम करें उनसे क्या लेना देना? क्या मतलब उनको? अपने हैं पूर्व विधायक रहे हैं, सेवा करिए नवलगढ़ की, अपने हिसाब से काम करो। मेरे खिलाफ आज के बाद मैं सुनूंगी नहीं, ना मैं किसी के खिलाफ बोलती हूँ, बोलना होता साफ साफ बोलती हूँ, जो भी बात कहती हूँ। आइंदा से मैं आपको यही इसी बात का खंडन करने के लिए यहाँ आपको एक प्रेस वार्ता रखी है, वो अपनी में जो मैटर था भामाशाह को लेकर जमीन का, वो क्या है? बाय की जमीन का कोई मैटर नहीं था। मैं बताऊं आपको, मैटर ये था कि उनकी कोई खाली जगह पड़ी हुई थी। बाय के जो भामाशाह हैं, उन्होंने देखो मेरे गांव का बहुत विकास करा है। सबसे पहले आप जोहड़ में आओ, इतना बड़ा अच्छा विद्यालय बनाया है, भवन बनाया है उन्होंने। उसके आगे आओ, बाग वाले बालाजी अच्छी मौके की जगह है गांव के लिए दे रखी है। उसके आगे आओ, हॉस्पिटल बना हुआ है रोड पे। उसके आगे आओ, धर्मशाला बनी हुई है। उसके आगे आओ, आप कुआ संचालन कर रहे हैं, गांव के लोगों को पानी पिला रहे हैं। इसमें मैटर इतना सा था, उनकी कोई जमीन होगी, वो जमीन उन्होंने किसी को बेच दी। उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई जब उन्होंने दान करी थी वो जगह हॉस्पिटल की, तो वो दान करी थी, उस जगह का उनको पता नहीं था कि ये दान में दूसरा कचरा चढ़ गया और हॉस्पिटल वंचित रह गया। हॉस्पिटल की जगह तो वैसे ही रह गई खाली, और पास में जो खाली पड़ी थी वो हॉस्पिटल के नाम चढ़ गई। तो उन्होंने ये चीज देखी नहीं, उनको पता भी नहीं था। उन्होंने अपनी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अपनी जो भी जमीन है गांव की नहीं बेचनी चाहिए, पर क्या पता क्या मजबूरी रही होगी उनको। मैं उनके पर्सनल जीवन में नहीं जाना चाहती, पर बाय का कोई मैटर ऐसा नहीं था। गांव वाले यही चाह रहे हैं कि ये हमारा हॉस्पिटल सेफ रह जाए, इसमें कोई आंच नहीं आए। इसमें उन्होंने, भामा साहू ने ये कहा, भाई हमने हॉस्पिटल बनाया, आप अपना हॉस्पिटल रखो, हमको क्या करना है? जो जगह है वो अगर उसका शुद्धिकरण होगा तो वो जाने, और नहीं होगा तो वो जाने। इसमें कोई बाय का बड़ा इश्यू नहीं है, ये छोटी मोटी बात थी। हमने आप लोगों को इसलिए बुलाया था, उनका जो हमारे भूलवंश, कोई भी उनके प्रति किसी भी गांव वाले ने, या मैंने, या किसी अन्य ने उनके लिए कुछ बोला होगा, तो उसके लिए उनको एक विशेष ग्राम सभा हमने बुलाई थी, और उनका मान करने के लिए, गांव वालों से रूबरू करवाने के लिए। आज जो भी कोई बात थी वो बता के चले गए अपनी, और अब उनका काम है, उनकी जमीन है, किसको देते हैं, किसके पास रखते हैं। जो हमारी हॉस्पिटल की जमीन है उसके लिए हमारे गांव वाले प्रयासरत हैं, मैं भी प्रयासरत हूँ। वो भी कह रहे हैं कि हमको हॉस्पिटल बना दिया तो आपके नाम ही करेंगे, इसके अलावा भी और कोई खाली जगह पड़ी है वो करेंगे। इसके बावजूद भी उन्होंने बोला गांव के विकास के लिए हमारा सहयोग चाहिए, तो वो भी हम करेंगे। प्रेस वार्ता में जब बयान दिया था विधायक पूर्व विधायक जी, तो वो क्यों दिए थे इस मामले में? अब वो तो मैं इसी चीज का खंडन करने के लिए आप लोगों को बुलाया है। इसका और उस बदराणा जोहड़ का क्या तुक था? लोग बाग आजकल सब समझदार हैं, आप लोगों को भी पता है इस चीज का कि ट्रस्ट क्या होता है, कैसे बेचा जाता है, कैसे रखा जाता है, बेचने का प्रोसीजर होता है या नहीं होता है, या कुछ। उन्होंने, वो कह रहे हैं कि मैं हॉस्पिटल बनाता, तो
तो 40% तो जनता के लिए वैसे ही छोड़ना पड़ता, वो क्या बनाते, 60% दे जाते, वो 60% में पशु मेला भरता, और वैसा का वैसा मनोरंजन का मतलब किसान लोग हैं वो अपने खेतों में काम करते रहते हैं, 15 दिन का उनका टाइम होता था मनोरंजन का, अपना टाइम पास करने का, तो वो छोड़ते उनके लिए खुला।